Hello everyone, my name is Komal Agrahi from class 6th of Brexit the P. Tudalibasti. Today I am going to tell you about heart and its circulatory system. जैसा कि आप जानते हैं ऐसे ही कुछ हमारा हार्ट होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम की लेयर से कवर होता है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है और वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है शॉक और डेसिकेशन से। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें ऑरिकल कहते हैं, नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। ऑरिकल जो है ऑरिकल को हम लोग रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, वेंट्रिकल को हम लोग डिक्रीजिंग चैम्बर कहते हैं। अब जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को जो जोड़ता है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो जोड़ता है उसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे राइट ऑरिकल। हमारे पूरे होल बॉडी से सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट ऑरिकल में ब्लड आता है। जो ब्लड रहता है वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा उसके बाद उसमें जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद वहां भी एक वाल्व होते हैं जिन्हें बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जब बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है उसके बाद वो उसमें से जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के में आने के बाद एक एओर्टा होता है उसके द्वारा हमारे पूरे होल बॉडी में चलाता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा हार्ट 72 to 75 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। एक बार में हमारा हार्ट 0.8 सेकंड में धड़कता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे हार्ट के बारे में। जो हमारे हार्ट का थिकनेस होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है, ब्रेथ होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है, लेंथ होता है जो 12 सेंटीमीटर और वेट होता है 250 to 300 ग्राम। हमारा हार्ट जो है 2 टाइप के साउंड निकालता है, एक होता है लव एक होता है डव। अब हम जानेंगे लव और डव साउंड कब निकलता है। जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो लव का साउंड निकलता है और जब बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो डव का साउंड निकलता है। हमारा हार्ट जो है वो एक डिस्टॉल और एक सिस्टॉल के बराबर है। हम जानेंगे अब डिस्टॉल सिस्टॉल कहते हैं। हमारा जो हार्ट जो है एक मुट्ठी के बराबर। जब हमारा हार्ट खुलता है ब्लड लेने के लिए तो उसे डिस्टॉल कहते हैं। हमारा हार्ट जब बंद होता है ब्लड छोड़ने के लिए तो सिस्टॉल कहते हैं। अब हम जानेंगे सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन एक होता है डबल सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन जब ब्लड हमारे हार्ट में एक ही बार से पास हो तो ये सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल फिश, फिश में एक ही बार से ब्लड पास होता है हार्ट से तो सिंगल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन जब हमारे हार्ट से 2 बार ब्लड पास हो, जैसे एग्जांपल ह्यूमन बींग में पहले राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड होता है लंग्स में जाता है फिर वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो 2 बार हुआ, एक बार गया एक बार आया, तो 2 बार हुआ। तो ये एक एग्जांपल है डबल सर्कुलेशन का। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में। यहीं पे हमारा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। थैंक यू।